तो कौन सा कटोरा लगने वाला है एक बार बता दो। देखो लग रहा है कि नहीं आ जाएगा सर पे, आएगा नहीं आएगा देखो तो कटोरा आएगा कि नहीं आएगा सर पे, देखे तो एक बार। ओ भाई साहब पहला पहला ओ भाई साहब गजब। तो कैसा लग रहा है तुमको? आपसे बहुत जब बाल तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बाल हमें दे दो। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जा रहे हैं इसके नमूने के बाल कटवाने, और वो भी कटोरा रख के, ठीक है। विवेक भाई की दुकान जा रहे हैं और इसके पूरे बाल यानी कटोरा रख के बीच में कटवा देंगे। वो तो ठीक है, आपका पता है कैसे करेंगे, ऐसे दो हिस्सा करेंगे, इस साइड बाल नहीं आएंगे। तुम नहीं बताओ, तुम नहीं बताओ, विवेक भाई समझ लेंगे, लेकिन तुम्हारे तो हाथ पैर बांध के हम कटवाएंगे। तो गाइज आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं न्यू हेयर कट पे, इसका भी न्यू हेयर कट होगा और मेरा भी होगा, जो मैंने पिछली बार रखा था उससे थोड़ा डिफरेंट रखूँगा। तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि विवेक भाई की शॉप बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है पता है, और गर्मी देख रहे हो गाइज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मेरे को सबसे बेकार लगता है ये सीज़न। तो निहाल भैया जी कुछ कुछ बोल दो। नहीं चलो चलो, तो गाइस चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं फटाफट से विवेक भाई की शॉप, वो तो आपको मैंने पिछले ब्लॉग पे ही बता चुका हूँ कि कहाँ पे है उसकी शॉप, विजयनगर पे। तो फटाफट से चलते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं विवेक भाई की शॉप, लगाते हैं अपन गाड़ी साइड पे। तो रेडी हो नमूना बनने के लिए? हाँ नमूना नंबर टू, आप रेडी हो? अरे हम तो ऑलवेज रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। तो गाइस चलो चलते हैं फटाफट। तो गाइस आ चुके हैं, ये बैठे हैं अपने विशाल भैया जी, और भैया तुम भी लगे हो, और सब बैठे हैं गाइस, और थोड़ा थोड़ा भीड़ है। चलो फिर चलते हैं, नमूना बनने के लिए रेडी हो? अरे हम काई के लिए बनेंगे, पहले तो तुम्हारी हेयर कट होगी ना। तो चलो चलते हैं, सीधा मिलते हैं हॉट सीट पे। तो गाइस हॉट सीट पे बैठ चुके अपने निहाल भैया जी, अब इनके ऊपर क्या होने वाला है विवेक भैया बताओ? कटोरा। तो कौन सा कटोरा लगने वाला है एक बार बता दो। देखो लग रहा है कि नहीं आ जाएगा सर पे, आएगा नहीं आएगा देखो तो, कटोरा आएगा कि नहीं आएगा सर पे, देखे तो एक बार। ओ भाई साहब पहला 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 ओ भाई साहब गजब। तो गाइस स्टार्ट हो रही है हमारे निहाल भैया की दीदी शादी कट, तो रेडी हो तुम एक तरफ बाल कटवाने के लिए कटोरा कटिंग? तो विवेक भाई कौन सी कटिंग कर रहे हैं? हाँ तो गाइस अब इसकी कटिंग होने वाली है, तो विवेक भाई स्टार्ट कर दो आपको। निहाल भैया जी कैसा लग रहा है तुमको? आपसे बहुत अच्छा, हमसे बहुत अच्छा। अभी कटोरा रख के कटवाएंगे यहाँ पे बाल, क्यों भाई? आप वो तो आप बच गए तुम, बहुत बहुत बच गए। तो चलो चालू करते हैं फटाफट से, और कटिंग तुम्हारी आगे की फिनिशिंग इधर देख लो। नहीं देख अच्छा तो कैसा लग रहा है तुमको? आपसे बहुत अच्छा, जब बाल तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बाल हमें दे दो। म्यूजिक।
कैसा लग रहा है तुम्हें करंट लग के? कहाँ लग रहा है ये क्या है करंट ही ज्यादा था तो गाइस करंट लग चुका है तो गाइस कट चुके हैं निहाल भैया जी के बाल, अब जा रहे हैं वॉशिंग में। कुछ कैसा लग रहा है बता दो कुछ कुछ। बहुत अच्छा। फटाफट से बाल धुलने के बाद मिलते हैं। One hour later. तो गाइस आ चुके हैं अपने निहाल भैया जी बाल आल धुला के। और एक भैया जी कुछ बोलना चाहोगे? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। तो भैया जी, विवेक भैया जी बोलना चाह रहे हैं एक बार लाइक जरूर करें, इनकी मेहनत लग रही है बहुत, और इनकी शॉप में एक बार जरूर विजिट करें। जरूर विजिट करेंगे। ठीक है तो चलो आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्यों तुम रेडी हो कि नहीं हो? करवाने वाला हूँ, आप आओगे तो करवा लेना, देख सकते हो कोयरा का। क्यों ये करने वाले ना एक बार? तो गाइस इसको फटाफट से अप्लाई करते हैं। सो गाइस मैं बन चुका हूँ भूत, अजय खड़ा एक और भूत। तो गाइस ये तो महान भूत है। अच्छा अच्छा हाँ दिख रहा हूँ, मेरे चेहरे में काका पोल दी है। और तुम्हारी कटिंग बताओ कटोरा वाली कैसी लग रही है? तो गाइस मैं भूत से इंसान बन चुका हूँ, देखो। ठीक है इस बार इस टाइप के रखे हैं। विवेक भाई से मिल लो। हाय। तो भाई का कहना है एक बार जरूर विजिट करें। विजिट करें एक बार, ठीक है एक बार जरूर आना इनको विजिट। और इसकी तो भाई कटोरे ही कटिंग हुई है, मत पूछो। दूर रहो हम तो दूर रहो। ये बैठे हैं हमारे विशाल भैया जी, इस बार भी कैमरामैन थे। ये कैमरामैन नहीं है गाइस, ये भी हैं एक बार बार। इनसे भी आके कुछ कुछ करवाइए, इनको भी सेवा दीजिए कुछ करने का। क्यों क्या बढ़िया था गुरु। समझ रहे हो ये हमारे कस्टमर नहीं थे पिछली बार, ये भी चच्चा है, ये भी यहाँ पे बाल काटते हैं, इनसे भी कटवाइएगा, ये भी बहुत अच्छे काटते हैं, ये उनकी पूरी फैमिली है। और तो ये है राजा भैया। राजा भैया कुछ बोलोगे अपने मेंस पार्लर के बारे में? कुछ एड्रेस बता दो अपने व्यूअर को कि ये कहाँ पे है और कैसे आना है। तो गाइस आपने देखा ये है मेन ओनर, देखो वो भी काम करते हैं। देखो गाइस फिनिशिंग, देखो गाइस बहुत अच्छी फिनिशिंग है भैया की।
अभी काम चल रहा है, अभी पूरा फुल नहीं कटा है, लेकिन आप इससे देख सकते हो फिनिशिंग बहुत सही है। आप एक बार ज़रूर विजिट करें। क्यों राजू भैया, तो आप लोग गाइस यहाँ पे भी काम चल रहा है। ये अपने अभिषेक भाई जी हैं, ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट है, ये अपने ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं सब चीज़ का। गजब बेइज्जती है। देखो कलर से डाई से लेकर, क्यों अभिषेक भाई कुछ तो बोल दो। काम ही करते रहोगे तो गाइस देख सकते हो इनके काम में ही फिनिशिंग है। देख सकते हो बियर्ड मिलाई है, बहुत ही बेस्ट मिलाई है। आप एक बार ज़रूर विजिट करें। क्यों कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे? चलो ठीक है, लाइक कर देना। और तुम महान व्यक्ति कुछ बोल दो। तो गाइस देखो ये मेरे को लूटने एक और आ गया है, चलो खाना खाएंगे, बहुत टाइम हो गया है। तो गाइस अंदर से कुछ इस तरीके का है पार्लर, देख पा रहे हो, एक बार ज़रूर विजिट करना ठीक है। और निहाल कैसा लगा तुम्हें यहाँ आके? हाँ भैया लोग फ्रेंडली हैं। हाँ तुम तो दूर रहो, दूर रह के बात करो, घुस जाओ कैमरे में। नहीं नहीं तुम पहली बार आए ना, तो फ्रेंडली हैं कि नहीं है बताओ, है ना? हाँ हम, हाँ नहीं हम तो है ही है ना, ठीक है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब घर, क्योंकि इसकी कोचिंग आज हो चुकी है मिस। तो अब चार बातें सुनेगा तो ये, और बाद में मेरे को भी सुनवाएगा। क्या बात है। हाँ तो गाइस फटाफट चलते हैं घर, ठीक है। अल ने भी कुछ नहीं खाया है, मैं भी कुछ नहीं खाया हूँ, और चलते हैं घर और खाना खाएंगे। और कुछ भाषण सुनना पड़ेगा इस महाशय की वजह से, महान आदमी की वजह से। आपको भी खड़े रहो दूर से। तो गाइस चलो चलते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं पार्लर से बाहर। जा रहे चाचा, बाय बाय। बाय बाय राजा भैया। तो गाइस ये है पार्लर बाहर से, देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी वीडियो पे दिखाया है और अभी भी दिखा रहा हूँ। दो पार्लर हैं, कंफ्यूज मत होना, राजा लिखा हुआ है पार्लर पे, ठीक है। नंबर देख सकते हो, ये नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, चालू है नंबर। और विशाल भाई बाय बाय। तुम पगलाओ नहीं। तो गाइस आज इसकी कटोरा कटिंग होते होते बच गई, ठीक है। इन कमजोर हाथों ने कटोरा रख नहीं पाया, कटोरा रख नहीं पाया, इतना हिल रहे रहे, इतना हिल रहे थे, तुम्हारी गर्दन पकड़ के ऐसे थे झंझोर देते ना तो तुम हो ही जाते। तो अपन पहुंच चुके हैं नीचे अपनी गाड़ी के पास। तो गाइस वो खड़ी है अपनी बाइक, चलो चलते हैं। वो महान व्यक्ति पीछे मत खड़े रहो, जल्दी आओ। तो गाइस ये खड़ी है अपनी बाइक, चलो चलते हैं फटाफट से घर और सीधा मिलते हैं अब घर ही पे। क्यों निहाल भैया जी, हम कुछ खिलाने वाले तो हैं नहीं तुम्हें? अरे वो भाई वो सिंगल के लिए है, सिंगल के लिए, समझे। चलो चलते हैं फटाफट से घर और मिलते हैं सीधा घर पे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर। तो देख रहे हो, देखो ये बॉय को देखो, स्मार्टी स्मार्टी बॉय लग रहा है, निहाल है, पिछले जन्म से निहाल था। तो गाइस हम लोग बाल कट चुके हैं, देख सकते हो, आप लोगों ने तो पूरी वीडियो में वही देखे हो। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ इतने उदास चमन से क्यों बोल रहे हो भैया जी? तो गाइस इसकी वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो, बेचारे का मुंह उतर रहा है क्यों आप लोग इसकी माइनक्राफ्ट की वीडियो नहीं देख रहे हो, बेचारा अबला नारी की तरह दिखाने लायक नहीं है गाइस। तो इसीलिए इसकी वीडियोस देख लो माइनक्राफ्ट की, कम से कम 20 व्यू तो कर दो कम से कम। ये कहना चाहता है, गुदगुदी मत करो। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना चैनल, लाइक कर लेना ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और मेरे पुराने ब्लॉग जिन्हें नहीं देखे हैं, आई बटन में आ रहे होंगे, देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, देख लेना ठीक है। और देख रहे हो गर्मी कितनी हो रही है, अब भी आए घर, देख रहे हो बिल्कुल लग ही नहीं रहा पार्लर से आए हैं, ये तो थोड़े थोड़े लग भी रहे हैं, हम तो हेलमेट पहने रहते वो भी नहीं लग रहा है। तो गाइस एंड करते हैं फटाफट, बाय बाय।